तुलसीदास का दोहा पढ़ने से पहले पहले हम लोग पढ़ते हैं कवि परिचय। तो भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश में राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्य से गुरु नरहरिदास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। दुखी निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। वे अवधी और वज्र भाषा दोनों में लिखते थे। तो भक्त कवि तुलसीदास जो थे, जो बहुत बड़े कवि हैं, उनका जन्म 1532 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ना उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक राजापुर करके एक जगह का नाम है, वहाँ पर भक्त कवि तुलसीदास का जन्म हुआ था। और उनका देहांत 1633 में हुआ था। तो उनके जीवनी काल में क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा जानते हैं। वो क्या है ना, उनके माता पिता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। माता पिता का स्नेह उन्हें नहीं मिला और उससे वो वंचित होकर उन्हें जीवन भर बहुत सारा कष्ट का अनुभव हुआ। सौभाग्य से गुरु नरहरिदास ने उनकी बड़ी मदद की। तो फॉर्चुनेटली नरहरिदास करके एक इंसान, एक गुरु थे जो कि उनको बहुत मदद की, उनकी बहुत मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। तुलसीदास जो थे वो एक राम भक्त थे, राम का भक्त से जड़े आउ जीव यौवन काल मैंने तंकर जो यौवन अवस्था रे साधु बन गए से। रामानंद उनके गुरु थे। रामानंद तंकर गुरु थिले। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। रामानंद जी थिले से हिंदी और संस्कृत रो बहुत बड़े पंडित थिले। उस समय मुगलों का शासन था। सेतळ को मुगलों मान का शासन थिला, मुगल मान का शासन चलतेला, मुगल मान के साम्राज्य राज्य रो केमति प्रचार प्रसिद्धि हो सही हिसाब रे मुगल मान का शासन चलतेला। सी समय रे देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी। देश रो सामाजिक आउ धार्मिक परिस्थिति गुड़ाक बहुत ही अस्त व्यस्त थिला, कहीं ना मुगल शासन चलतेला आ इयाडे राम भक्त से थिले तुलसीदास, तेणु से हिसाब से रिलीजन रिकेना को धार्मिक उपर टिकेना परिस्थिति उपर टिकेना को अस्तव्यस्त टिके लागिला। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। तुलसीदास कौन कले ना रामचरितमानस लिखिकिना लोक मान सामने गोटे निष्कपट जीवन केमी व्यतीत करापर गोटे उदाहरण गोटे रखिले। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। कौन सा ना? रामचरितमानस। रामचरितमानस सबसे बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है, माने बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ है। सीटा उठे जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। जनसाधारण माने लोकल लोक माने बहुत ही इंटरेस्टिंग भाव में बहुत ही भल भाव पढ़ती। दुखी निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। जिस जो दुखी था या फिर निराश था लाइफ रे बहुत जो मैंने करें दुखी था तेणु से जो भक्त लोक मैंने से रामचरितमानस पढ़ना बहुत ही शांति अनुभव फील हुए। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। विनय पत्रिका कवितावली, दोहावली और गीतावली आदि एक्सेट्रा बहुत सारा ग्रंथ अच्छी जोटा कि से लिखिंट निजे बहुत सारा ग्रंथ लिखिं से।
वे अवधि और वज्र भाषा दोनों में लिखते थे। से अवधि भाषा और वज्र भाषा रे नगर लेखा था जोटा कि अवधि भाषा जोटा कि गोटे भाषा भितर गोटे आउ वज्र भाषा जमी हिंदी भाषा गोटे से अवधि भाषा वज्र भाषा भी गोटे गोटे भाषा सी से भाषा से लिखते। तो अब चलते हैं दोहा की ओर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। गोधन गजधन बाजीधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। रोस न रसना खोलिए बरु खोलियो तरवरी तरवरी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। इसका अर्थ क्या है, पहले दो स्टांजा का पहले समझते हैं उसका मीनिंग। तो तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूँ ओर, तुलसीदास कहते हैं इधर तुलसी मीठे वचन ते, यानी तुलसीदास जी कहते हैं जो मीठे वचन जो बोलते हैं, जो मीठी वाणी बोलते हैं, जो मीठी भाषा बोलते हैं, उनका उनको सुख उपजत चहूँ ओर, यानी सारी जगह वो हमेशा वो सुख फैलाते हैं, खुशी देते हैं वो दूसरों को। और चहूँ ओर यानी चारों ओर वो सुख फैलाते हैं, इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, हमें कभी भी कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, जो कि सेकंड साझा में दिया गया है। वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर, यानी हमें कभी भी कठोर भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, मीठी वचन हमेशा बोलनी चाहिए, क्योंकि कड़वा भाषा जो होता है वो दिल और दिमाग दोनों पर घाव पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा मीठी वचन बोलना चाहिए ताकि दूसरे उससे प्रसन्न हो, दूसरे उससे संतुष्ट हो, दूसरे उससे शांति, दूसरों को शांति मिले, दूसरों को खुशी मिले और दूसरों को सुख की अनुभूति भी होती है। वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर, यानी ये जो मीठी वचन जो है वो ये वशीकरण करता है, ये वश में ले लेता है हर किसी को, अपने मुट्ठी में कर लेता है, और उसको उससे क्या होता है ना, हमें हमेशा मीठी वचन बोलनी चाहिए। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि हमें हमेशा मीठी वचन बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी वचन ही वशीकरण करता है, एक वशीकरण मंत्र होता है। मंत्र यानी जो प्रभावी शब्द होते हैं उसको कहते हैं मंत्र। तो जो वशीकरण मंत्र है यानी जो वश में कर लेता है जो मंत्र प्रभावी शब्द, उसको कहते हैं वो है मीठी वचन। और कठोर शब्द जो है वो वशीकरण नहीं कर पाता है, तो इसलिए परिहरु वचन कठोर, जितना भी हो सके परिहरु यानी हमें उस वचन को परित्याग करना चाहिए, उस वचन को छोड़ देना चाहिए, कठोर वचन को छोड़ देना चाहिए, उसको परित्याग कर देना चाहिए और मीठी वचन को अपनाना चाहिए हमेशा। गोधन गजधन बाजीधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। इसका अर्थ क्या है, मनुष्य हमेशा सोचता रहता है कि उसके पास हीरा है, मोती है, गाय है, गजधन है यानी हाथी है, फिर घोड़ा है, रतन, ये सारे उनके पास ये सारे हैं तो ये सारे धन हो गए। पर असल धन वो नहीं होता है, असल धन वो होता है जो संतोष होता है, संतोष ही परम धन होता है। अगर एक इंसान संतोषी धन पाले तो उसे ये सब धन की ज़रूरत नहीं है। ये सारे धन क्या है ना, सब बेकार है, सब धूल समान है। ये जो मोती रतन और ये जो गज हाथी धन और गाय का धन, गाय और ये जो घोड़ा, ये सारे धन क्या है, सब धूली समान है, ये सब धूल समान है। ये सब इसके सामने जो संतोष धन है वो सही में सच्चा धन होता है। अगर संतोष एक इंसान को मिल जाए, एक इंसान अगर उस धन से संतोष हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन होता है। रोस न रसना खोलिए बरु खोलियो तरुवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। इसका अर्थ क्या है, क्रोध के समय हमें कभी भी अपने जीभ से ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो कि कड़वी हो, क्योंकि क्रोध समय हमें जो भी बातें बोलते हैं वो हमेशा कड़वा ही होता है,
और उस वो हमेशा दिल पर या किसी के दिमाग पर किसी को किसी के घर किसी के दिल दिमाग के घर को भी घाव कर देता है। तो इसीलिए हमें क्रोध के समय हमेशा नियंत्रण करके बातें करनी चाहिए, हमेशा सोच विचार करके ही बोलनी चाहिए, क्योंकि एक बार जो बातें निकल जाती है मुँह से वो तलवार की तरह चुभती है। अगर कड़वी बात है तो वो चुभेगी, अगर वो अच्छी बात है तो वो अच्छी लगेगी, अट्रैक्ट लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, महसूस होगा। तो हमें हमेशा क्रोध के समय जीभ को नियंत्रण में रखना चाहिए और इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध के समय हम ज़्यादातर कठोर शब्द बोल देते हैं, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। सुनत मधुर परिणाम हित बोले वचन विचारी। तो वचन हमें हमेशा हमारे वचन को विचार करके बोल सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि यही एक मधुर परिणाम होता है मंगल हित के, मंगल के सबके मंगल के लिए ही बोला गया है कि हमें हमेशा सोच समझ करके हमेशा हर कोई बात को सोच समझ करके बोलनी चाहिए, नहीं तो वो तलवार की तरह चुभेगी अगर वो कठोर शब्द है तो। तो अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में दीजिए, तो दो वाक्यों में नहीं तो तीन सेंटेंस में, दो सेंटेंस नहीं तो तीन सेंटेंस में इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। पहला कठोर वचन को क्यों परिहार करना चाहिए, कठोर वचन को काहे की परित्याग करिया उचित, इसका अर्थ यह है। तो इसका आंसर उत्तर क्या होगा ना, कठोर वचन को परिहार करना चाहिए क्योंकि कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। कठोर वचन को परिहार करना चाहिए, को परिहार करना चाहिए क्योंकि कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि कड़वे वचन कड़ा कथा कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। इसका अर्थ क्या है, कठोर वचन को परित्याग करना चाहिए यानी कठोर वचन को परित्याग करिया उचित, काहेकि ना कड़ा वचन कड़ा शब्द कठोर शब्द जोटा कहते कड़ा शब्द गुड़ाक समस्त मन को दुख दिए। उसके बाद उत्तर ख, उत्तर ख, जिसका प्रश्न है मीठे वचन से क्या लाभ होता है, मीठा वचन रो हमको कौन सा लाभ मिले ना, मीठे वचन से हम सबको सुख मिलता है, मीठे वचन से सबको सुख मिलता है, मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं, मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, मीठा वचन से सबको सुख मिलता है, मीठा वचन मीठा कथा उड़ा कर ही समस्त को सुख दिए, मीठी वाणी से हम सबको अपना वश में कर सकते हैं, मीठा मीठा जे जो मैंने कथार्थ करती से ही समस्त को आम वश वश रे कर पार निजर अधिकार कर पार। फिर उत्तर ग, जिसका प्रश्न है
संतोष धन के सामने कौन कौन से धन दूरी के बराबर माने जाते हैं? संतोष धन सामने को धनटा को धूरी धन बोली कहुए धूल सामान के धन जिसको बोला जाता है धूरी धन यानी धूल सामान ये को धन को कहा जाए तो संतोष धन के सामने संतोष धन के सामने संतोष धन के सामने गाय भैंस हाथी घोड़ा हीरा मोती हीरा मोती आदि सारे धन एक्सेट्रा आदि सारे धन आदि सारे धन रत्न दूरी के बराबर माने जाते हैं दूरी के बराबर माने जाते हैं माने जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? संतोष धन सामना रे गाय हो कि भैंस हो हाथी हो या घोड़ा हो हीरा हो या मोती हो आदि माने एक्सेट्रा ये सब जाक कौन हुए ना से ये सारा धन सब जाक कौन धन रत्न सब जाक धूली समान। ओके उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न घ की ओर। उत्तर घ जिसका प्रश्न है रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों? रागिला बेले हमको कौन टा खोलिया उचित नहीं है और कौन कहीं की? तो इसका उत्तर यह होगा रोष या गुस्से के समय हमें अपने जीभ को नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि रोष का मतलब क्या है? क्रोध। क्योंकि क्रोध में मनुष्य सदा कड़वी बातें बोल देता है। इसका अर्थ क्या है? राग रुसा बड़कु रागिला बड़कु या फिर रुसिला बड़कु हमको एमती कौन से भी शब्द जीभरु बाहर करया उचित नुहे काहीकि ना क्रोध बेले रागिला बेले मनुष्य सदा बेले ही कड़ा कथा कही दिए इसीलिए हमें गुस्से के समय या रोष के समय कभी भी अपना जीभ को नहीं खोलनी चाहिए। उत्तर जिसका प्रश्न है मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से क्यों की गई है? मीठा वचन मीठा कथार्थ को मीठा कथार्थर तुलनाटा कवि ये कहीं वशीकरण मंत्र सहित ये तुलना करचंती तो इसका उत्तर यह होगा मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से की गई है क्योंकि मीठे वचन
हम सबको वश में करने वाले मंत्र यानी प्रभावी शब्द हैं। इसका अर्थ क्या है? मीठा वचन तुलना वशीकरण मंत्र से तो इतिपंक्ति कराई जी कहीं की ना मीठा वचन हम सबको वश में करने वाला मंत्र है। मीठा वचन ही गोटे एमती का प्रभावी शब्द गोटे एमती गोटे मंत्र गोटे जोड़ा कि हमको वश रे कर दिया हमको निजर अधिकार नहीं नहीं। फिर चलते हैं उत्तर च की ओर। उत्तर च की ओर जिसका प्रश्न है उत्तर च की ओर जिसका प्रश्न है हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए हमको सदावे भाभी चिंती ना कथार्था करा कहीं की करा दरकार। तो इसका अर्थ यह होगा हमें हमेशा सोच विचार करके बोलना चाहिए हमको सदावे भाभी चिंती ना कथा कह उचित कहीं ना हमें हमेशा सोच विचार करके बोलना चाहिए क्योंकि हमारी बातें तलवार की तरह है जो एक बार मुंह से निकल गया तो वापस वो शब्द लौट कर नहीं आते। इसका अर्थ क्या है? हमें हमेशा सोच विचार करके बोलना चाहिए हमको सदा भाभी चिंती ना कथार्था करा उचित कौन पाएगा कहीं ना हमारी बातें तलवार की तरह है हम कथार्था एमती का अस्त्र एमती का तलवार परिका एमती का अस्त्र परिका कि जोड़ा गोटे थर मुहर बाहरी गला मैंने पुंथरे से शब्द पुंथरे आसी पार वापस हमारे मुँह में वो शब्द फिर से नहीं आ सकते। जो एक बार निकल गया मुँह से समझो वो म्यान से एक तलवार निकल गया। फिर चलते हैं उत्तर दो की ओर। उत्तर दो जिसका प्रश्न है निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। ये जो दिए गए अवतरणों उनको 2-3 वाक्य यानी 2-3 सेंटेंस में उसको लिखना है उसको स्पष्ट करना है उसका अर्थ स्पष्ट करना है। पहला वाला दिया गया है क तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर। इसका अर्थ क्या है? ना तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर। इसका अर्थ यह है कि तुलसीदास कहना चाहते हैं कि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं।
तो मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है। सबको सुख मिलता है। इसका अर्थ क्या है ना, मीठे वचन हमेशा सुख ही देते हैं, हमेशा हमेशा सुख प्रदान करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठा वचन, मीठा कथावार्ता समस्तों को प्रिय होते। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है। मीठा कथावार्ता समस्तों को शांति प्रदान करे, समस्त शांति दिए, सबको सुख मिलता है। सेतरे मीठा वचन रे ही समस्त को सुख मिले, समस्त खुशी मिले। फिर उत्तर ख, जिसका प्रश्न है, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। इसका अर्थ क्या है न, तुलसीदास कहना चाहते हैं कि जब संतोष रूपी धन, सारे धन होते हुए भी सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष ना हो, तो ये सारे धन कौन सा धन, रत्न धन, गज धन यानी हाथी होना, मोती हीरा मोती होना, या गोधन, ये जो सारे सब धन होते हैं, ये सब क्या है ना, सब मूल्यहीन है। ये सारे धन मूल्यहीन हैं। संतोष रूपी धन के सामने ये सारे सब धूली के बराबर तुच्छ है। संतोष रूपी धन के सामने संतोष भी धन के सामने ये सब धन ये सब धूली के बराबर तुच्छ हैं। इसका अर्थ क्या है, तुलसीदास कहते हैं कि ये सारे धन होते हुए भी ये सब धन सब थाई कि ना मध्य, रत्न धन हो कि गज धन हो कि गोधन हो, ये सब धन थाई कि ना मध्य, यदि मन यदि संतोष ही न रहिब, मन यदि सैटिस्फैक्शन ही न रहिब, तले सब धन जाक बेकार, ये सब जाक हैला धूली समान। फिर उत्तर ग, जिसका प्रश्न है, रोस न रसना खोलिए, बरू खोलियो तरवारी। तरवारी यानी इधर तलवार को समझाया गया है। इसका मतलब क्या है ना, हमें अधिक क्रोध होते समय जब हमें अधिक क्रोध हो
तो हमें अपने जीभ नहीं खोलनी चाहिए, अपने जीभ को नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि क्रोध में मनुष्य सदा क्योंकि क्रोध में मनुष्य सदा कड़वी बातें बोल देता है। तो क्रोध के समय हमें अपने जीभ या फिर वचन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? जब हमें अधिक क्रोध आता है तो हमें अपने जीभ को नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि कहीं की ना क्रोध समय रे कहोगे ना मनुष्य सदा कड़ा कथा कही दिए। तो क्रोध के समय तो जो रागी थी समय रे तो कौन करा दरकार ना निजर जीभ या फिर निजर कथाबार्ता को वचन को कौन करा दरकार ना नियंत्रण रखा दरकार, कंट्रोल रखा दरकार। ना आम बाटर कौन से भी एमती कथा बाहर जोटा कि ना कि तलवार परिका जनकर दिल और दिमाग रे पसी जो या फिर आघात कर। उत्तर तीन का क, पहला प्रश्न है किससे चारों ओर सुख उपजता है, कहा चारी पाखे सदाड़े सुख उपजे सुख मिले, वो होता है मीठे वचन के चारों ओर सुख उपजता है। फिर ख, वशीकरण का मंत्र क्या है? वशीकरण मंत्र का कौन ना सबको वश में करने वाला प्रभावी शब्द को वशीकरण मंत्र कहा गया है। समस्त वशरे करी अधिकारी जो जी करी दे जो प्रभावी शब्द गुड़ाक ताको कहा जाए वशीकरण मंत्र। फिर उत्तर ग, जिसका प्रश्न है हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए, हमको कौन परित्याग करिया ना या तो परित्याग करिया नले छाड़ी देवा दरकार, तो सेटा हला कड़वे वचन को परिहार करना या छोड़ना चाहिए। हमें कड़वे वचन को परिहार करना या छोड़ना चाहिए। फिर घ का प्रश्न है कवि ने संतोष की तुलना किससे की है, कवि संतोष की तुलना कहाँ सहित करचंती, धन सहित करचंती ना कवि संतोष की तुलना
धन से की है, धन से धन से की है। संतोष को संतोष तुलना कवि धन सहित कर चंदी। उसके बाद उत्तर हाँ उत्तर जिसका प्रश्न है कब रसना नहीं खोलनी चाहिए, कितने आमको जीभ खोलिया उचित नहीं, तो क्रोध के समय, क्रोध के समय हमें रसना नहीं खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए। च च का प्रश्न है किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं, को धन सामने बाकी सब धन उड़ा को तुच्छ बोली कुआ जाए जी, बेकार बोली कुआ जाए जी। सीटा वाला संतोष रूपी धन, संतोष रूपी धन के सामने सारे धन, सारे धन तुच्छ माने जाते हैं, तुच्छ माने जाते हैं। फिर छ जिसका प्रश्न है संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं, संतोष धन सामने दे बाकी सब धन को प्रकार समान चिरा, तो वो होता है धूली के बराबर। संतोष रूपी धन के सामने ये सारे धन धूल के समान, धूल के समान तुच्छ हैं, तुच्छ हैं। फिर चलते हैं छ च छ ज की ओर जिसका प्रश्न है उत्तर ज का प्रश्न है विचार करके वचन कहने से क्या होता है, विचार करके भाभी जिंदगी ना कथा कहले कौन हुए, तो विचार करके वचन बोलने से मधुर परिणाम मिलते हैं, विचार करके वचन बोलने से मधुर परिणाम मिलते हैं। फिर चलते हैं भाषा ज्ञान की ओर यानी ग्रामर व्याकरण, जिसे हिंदी में कहते हैं व्याकरण, इंग्लिश में ग्रामर। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए, विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द लिखिए, ऑपोजिट, तो मीठा कड़वा, मीठा कड़वा, सुख दुख, सुख दुख, कठोर मीठी, फिर क्या है छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, समान असमान, समान असमान, खोलना बंद करना,
खोलना का अपोजिट होगा बंद करना। फिर प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द यानी सेम मीनिंग वाले शब्द, सेम मीनिंग वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। वचन, वचन यानी बात, सुख खुशी, कठोर कड़ा, उपजना पैदा होना, फिर आओ गाय, गौ यानी गाय, गज यानी हाथी, बाजी यानी घोड़ा, बाजी धन यानी घोड़ा धन। फिर चलते हैं प्रश्न तीन की ओर, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग के सार्थक वाक्य बनाइए। सार्थक वाक्य यानी करेक्ट सेंटेंस लिखिए, सार्थक वाक्य। इसके करेक्ट सेंटेंस लिखना, शब्दों के प्रयोग के सार्थक वाक्य बनाइए। इन शब्दों के प्रयोग से सार्थक वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो वशीकरण, वशीकरण का वाक्य होगा तंत्र मंत्र में वशीकरण होने के ज्यादा संभावना होते हैं। तंत्र मंत्र में वशीकरण होने के ज्यादा संभावना होती है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड शब्द है कठोर। कठोर का होगा हमें दिल और जुबान, हमें दिल और जुबान से कठोर नहीं होनी चाहिए, हमें दिल और जुबान से कठोर नहीं होनी चाहिए। तीसरा शब्द है गोधन। गोधन, इस दुनिया का सबसे बड़ा धन गोधन है, इस दुनिया का सबसे बड़ा धन गोधन ही है, गोधन ही है। फिर चौथा शब्द है संतोष। हमें हमेशा अल्प चीजों में संतोष होनी चाहिए, हमें हमेशा अल्प चीजों में संतोष होनी चाहिए।
फिर तलवार, तलवार से एक वाक्य क्या लिखना है, हमें तलवार से नहीं खेलनी चाहिए, हमें तलवार से नहीं खेलनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है इसको। प्रश्न 4 जिसका उत्तर है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, तो चहुओर, चहुओर यानी चारों ओर। चारों ओर। फिर है वशीकरण, वशीकरण यानी वशीकरण का होगा वश, सबको वश में करने वाला, सबको वश में करने वाला। फिर होगा धुरी यानी धूल। फिर है तरवारी, इसका अर्थ है तलवार। परिणाम यानी परिणाम, ये सारे शुद्ध वाक्य हैं इन अशुद्ध वाक्यों के। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर जिसका उत्तर होगा वचन मंत्र धन तलवार, इन सबके कारक, करण कारक यानी से चिन्ह लगाकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो वचन, हमें वचन से कभी भी किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहिए। हमें वचन से कभी भी किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहिए। फिर अगला शब्द है मंत्र। मंत्र से होगा हमें रोज सुबह अपने घर को मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। अगला शब्द है धन। धन से गरीबी नहीं मिटाई जा सकती है। अगला शब्द है तलवार। तलवार हमें तलवार से नहीं खेलनी चाहिए। हमें तलवार से नहीं खेलनी
चाहिए। तो ये सारे प्रश्न अभ्यास थे। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा और इसका प्रश्न अभ्यास भी समझ में आया होगा। थैंक यू।